नमस्ते इंडिया, क्या आपको भी अक्सर डरावने सपने आते हैं? हर किसी को हर अलग अलग तरह के सपने आते हैं, किसी को डरावने, किसी को अच्छे प्यारे सपने और बहुत ज़्यादा ख़राब सपने। देखिए, सपने आपके रियल लाइफ से जुड़े हुए होते हैं, यानी कि जो आप पूरे दिन में काम करते हो, जो आपके साथ बीतता है, जो भी घटना आपके साथ घटती है, वो सारी चीज़ें जो आप देखते हो, जो आप सुनते हो, ये सारी चीज़ें सपनों में आपको दिखाई देती है, यानी कि आपके इमेजिनेशन का एक रिफ्लेक्शन होता है। साइंटिस्ट ये बताते हैं कि सपने देखना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है, बल्कि सपने देखना ज़रूरी है क्योंकि ये इंसान के व्यक्तित्व को बनाए रखता है। अगर आपको अक्सर डरावने सपने आते हो तो आपको इसको ठीक करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। देखिए, आपको बता दें कि डरावने सपने इंसान के दिमाग में डर पैदा करता है, चिंता पैदा करता है और आदमी उदास हो जाता है। इसलिए डरावने सपने को ठीक करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है और इसके पीछे की वजह जाननी भी ज़रूरी होती है। क्या होता है कि जब आपको अच्छे सपने आते हैं तो मूड भी बहुत ही अच्छा रहता है और पूरा दिन मज़े से बीत जाता है। वहीं पर अगर डरावने सपने हो, सपने बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो, तो मूड भी ख़राब रहता है, कुछ काम ढंग से नहीं होता है और बहुत ही ज़्यादा ख़राब दिन बीतता है। यानी कि सपने आपके मूड को भी कंट्रोल कर सकते हैं। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आपको रोज़ ही सपने आए, सपने कभी कभी ही आते हैं और कभी कभी ऐसा भी होता है कि आप सपने देखकर भूल भी जाते हो, दूसरे दिन कुछ भी याद नहीं रहता है कि आपने सपने में क्या देखा। मगर आपको अक्सर डरावने सपने आते हो तो ये बेशक एक चिंता का विषय होता है। दरअसल डरावने सपने बार बार आने से, बार बार ख़राब सपने आने से आपके दिमाग पर बहुत ही बुरा असर पड़ता है। दरअसल ये एक व्यक्ति को, यानी कि किसी व्यक्ति को बार बार डरावने सपने आते हो तो उसकी मेंटल हेल्थ ख़राब हो सकती है। अब आदमी डिप्रेशन का शिकार हो सकता है, उसको काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेस होता है, नींद में कमी आती है, क्योंकि ख़राब सपने देखने से आप पूरी रात ढंग से नहीं सो पाते हो, यानी कि नींद पूरी नहीं होती है, तो नींद में कमी आती है। आप अनिद्रा का शिकार हो सकते हो, जिसको सोने की बीमारी होती है, यानी कि जो लोग सो नहीं पाते हैं। फिर आप मोटापे के शिकार हो सकते हो, आपका पूरी तरह से मेंटल हेल्थ ख़राब हो जाती है, आप मोटापे के शिकार हो सकते हो, आपको ढंग से नींद नहीं आती है और कई बीमारियां आप में आ सकती है। इसलिए ख़राब सपने को ठीक करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। देखिए, दरअसल साइंटिस्ट ये कहते हैं कि अगर किसी व्यक्ति ने अपने दिल में कोई बात दबा कर रखी है, जो जिसके बारे में उसको सॉल्यूशन नहीं मिल पा रहा है, जैसे कि वो किसी और से बात नहीं कर पा रहा है, उसको बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेस है, टेंशन है, बहुत ज़्यादा चिंता है, किसी चीज़ का सॉल्यूशन नहीं मिल रहा है, या तो फिर उसका कोई करीबी व्यक्ति उससे दूर चला गया हो, या तो फिर किसी की मृत्यु हो गई हो किसी करीबी व्यक्ति की, या तो फिर उस इंसान के साथ कुछ गलत हुआ हो, कुछ हैरेसमेंट का शिकार हुआ हो, या तो फिर किसी भी तरह का दबाव में, ये सारे चीज़ें जो है वो रात में सपने के रूप में बाहर आती है। दरअसल अगर आपको बहुत ही ज़्यादा चिंता है, अगर आपके साथ कुछ गलत हुआ है, या तो फिर किसी भी तरह का स्ट्रेस है, तो इसका सॉल्यूशन निकालना चाहिए, क्योंकि ये बहुत ही बड़ी वजह होती है जिसके वजह से आपको बार बार ख़राब सपने आते हो। और अगर आपके साथ ऐसा कुछ हो रहा है और ठीक इसी तरह के आपको सपने दिखाई दे रहे हैं, तो आपको जाहिर सी बात है कि आप समझ जाओगे कि आपको डरावने सपने क्यों आ रहे हैं। तो इसका सॉल्यूशन ढूंढना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, इसको जल्द से जल्द छुटकारा पा लेना चाहिए, क्योंकि आप बीमारी के शिकार बन सकते हो। इसलिए हमेशा अपने करीबी व्यक्ति से बात कीजिए, जो आपको सॉल्यूशन देने में मदद करे। अगर आपके साथ कुछ गलत हुआ है तो इसके बारे में किसी और को बताइए, ताकि आपका दिल भी हल्का हो जाए, आपको सॉल्यूशन मिल जाए और ये डरावने सपने की कहानी भी बंद हो जाए। दरअसल इसका दूसरा बड़ा ये रीज़न होता है कि हम हॉरर मूवी देखते हैं रात को, किसी ने कोई डरावनी बात बोलती हो, या तो फिर कोई स्टोरी आपने सुन ली हो, किसी बुक वगैरह में पढ़ा हो, या तो फिर आपने मूवी देखी हो, इसके चलते भी आपको डरावने सपने आते हैं। तो ये चीज़ जो है वो बड़ी ही कॉमन चीज़ होती है। ये अगर ऐसी मतलब कि आपने कोई डरावनी मूवी देखी हो, इसकी वजह से आपको सपना आया हो, तो ये कॉमन चीज़ है, ये तो ठीक हो जाता है। मगर जो स्ट्रेस वाली चिंता है, जो बात है, उसको ठीक करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि इसकी वजह से आपको मेंटल हेल्थ आपकी ख़राब हो सकती है। इसका तीसरा बड़ा ये रीज़न होता है जो आपकी लाइफस्टाइल है।
यानी कि जो आप खाना खाते हो, जिस तरह के आपके पूरे दिन की एक्टिविटी होती है, जो आप बात सुनते हो, जो आप देखते हो, ये सारी चीज़ें आपको सपने में रिफ्लेक्ट होती है। इसलिए हमेशा अच्छा खाना खाना चाहिए। देखिए, हेल्दी खाना, और ख़ास तौर पर जब आप रात में बहुत ज़्यादा हैवी खाना खाते हो, तेल मसाले वाला खाना खाते हो, तो इसके वजह से भी आपको ख़राब सपने आ सकते हैं। जी हाँ, बिल्कुल सही सुन रहे हो, जो आप रात में खाना खाते हो ये भी सपनों में काफ़ी ज़्यादा इफ़ेक्ट करता है। अभी आप रात में बहुत ही ज़्यादा हैवी खाना खाते हो, ख़ास तौर पर अगर आप खाना खाकर सीधा सो जाते हो, तो यानी कि आधे घंटे में आप सो जाते हो, तो आपको हमेशा हल्का फुल्का खाना खाना चाहिए। देखिए, रात में जब आप बहुत ही ज़्यादा हैवी खाना खाते हो, तेल मसाले वाला खाना खाते हो, तो क्या होता है कि आपकी बॉडी में जो चयापचय की क्रिया होती है, यानी कि मेटाबॉलिज्म होता है, उसका रेट बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाता है, जिसके वजह से आपका दिमाग ज़रूरत से ज़्यादा एक्टिव हो जाता है। यानी कि आपका दिमाग आपके सोने के बाद भी एक्टिव रहता है, क्योंकि आपका खाना ही पच रहा है। आपका देखिए, हैवी खाना खाने, अगर आप हैवी खाना खाते हो तो उसको पचने में भी काफ़ी ज़्यादा देर लगती है। अभी आप इसको पचाए बिना सो जाते हो, तो जाहिर सी बात है कि आपका दिमाग ऑलरेडी एक्टिव है, जिसकी वजह से आपको रात में डरावने सपने आते हैं, या तो फिर किसी भी तरह के सपने आ सकते हैं। ये अभी आपकी आपके ऊपर है कि आपने पूरे दिन में क्या किया है। अगर आपने कुछ ऐसी बात सुन ली हो, या तो फिर कोई ऐसा शौक लगा हो, तो आपको डेफिनेटली ऐसे टाइम पर ऐसे सपने आ सकते हैं। इसलिए हमेशा सोने और खाने के बीच में अच्छा गैप रखना चाहिए। रात का खाना तेल मसाले वाला नहीं खाना चाहिए, लाइट खाना चाहिए, जैसे कि खाना अच्छे से पच जाए और फिर आपको अच्छे से नींद आए, ताकि आप सपने ना देखो और आपकी नींद भी पूरी हो जाए और दूसरे दिन आपका मूड भी फ्रेश होगा। हमेशा दिन की शुरुआत में आपको हल्की फुल्की एक्सरसाइज करनी चाहिए। आप वॉकिंग कर सकते हो, जिम जा सकते हो, या तो फिर घर में योगा कर सकते हो, कोई भी हल्की फुल्की एक्सरसाइज कर सकते हो। देखिए, दरअसल एक्सरसाइज करने से आपकी बॉडी में एंडोर्फिन रिलीज होता है। एंडोर्फिन स्ट्रेस को कम करने में मदद करता है, और इतना ही नहीं, आपका मोटापा भी कम हो सकता है। दरअसल एंडोर्फिन आपके स्ट्रेस लेवल को कम से कम करने की कोशिश करता है। यानी कि अगर आपको किसी बात खाए जा रही है, कोई चिंता है, तो ये सारी चीज़ों में एक्सरसाइज करना काफ़ी ज़्यादा आपको फ़ायदा दे सकता है। ज़्यादा नहीं, बस आप 10 से 15 मिनट तक आप एक्सरसाइज कीजिए सुबह की शुरुआत में, तो आपको काफ़ी ज़्यादा बेहतर महसूस होगा और आपको आपका स्ट्रेस लेवल भी कम हो जाएगा, जिससे कि आपकी बॉडी काफ़ी ज़्यादा लाइट होगी और आप रात में अच्छे से सो पाओगे। तो आपको दिन की शुरुआत में एक्सरसाइज ज़रूर करनी चाहिए। अगर आपको स्ट्रेस है, तो ख़ास तौर पर आपको एक्सरसाइज ज़रूर करनी चाहिए। रात में सोते समय आप अच्छी अच्छी किताबें पढ़ सकते हो, जो अच्छी बुक्स होती है उसको अपने साथ में लेकर सोइए। रात को सोने से पहले मोबाइल और जो भी स्क्रीन टाइम होती है उसको काफ़ी ज़्यादा कम कर दीजिए। आप जब सोने वाले होते हो, तो 2 घंटे पहले से ही फ़ोन को साइड पर रख देना चाहिए, क्योंकि फ़ोन में भी हम कुछ ना कुछ देख लेते हैं, तो ये भी सारी चीज़ें आपको सपने में रिफ्लेक्ट होती है। इसलिए फ़ोन वगैरह को कम कर दीजिए अगर आपको डरावने सपने आ रहे हो, और आप अच्छी अच्छी बुक्स पढ़ सकते हो, जिससे कि आपका माइंड फ्रेश हो, आपके दिमाग में अच्छी अच्छी बातें जाती है, तो आपको फिर उस तरह के सपने दिखाता है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई हो। इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।